बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेयर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। एट्थ क्लास एक्सरसाइज 1.13 आज हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने 1.12 कंप्लीट सॉल्व की। जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं लिए, प्रीवियस तमाम लेक्चर की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ जाकर बआसानी जो लेक्चर चाहें ले सकते हैं। 1.13 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें जी। राइट ऑल सब सेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमें सेट्स दिए गए हैं, हमने इनके सब सेट्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम सब सेट्स की डेफिनेशन कर लेते हैं। देखें जी, सब सेट, कंसिडर दैट ए एंड बी आर टू सेट्स। अगर ए और बी दो सेट्स हों, ठीक है जी। इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, सेट ए के तमाम एलिमेंट्स, आल्सो एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, सेट बी के भी एलिमेंट्स हों, जैसे कि 2, 4, 6 सेट ए के एलिमेंट सेट बी के भी एलिमेंट हैं 2, 4, 6, देन सेट ए इज़ कॉल्ड सब सेट ऑफ सेट बी। सब मैंने छोटा, सेट मीन सेट, यानी कि सेट ए जो है ये सब सेट है, छोटा सेट है बी का। क्यों? क्योंकि सेट ए के तमाम एलिमेंट्स सेट बी में मौजूद हैं। उम्मीद है आपको सब सेट की डेफिनेशन आ गई होगी। अब इसको हम मैथमेटिकली या सिम्बोलिकली इस तरीके से राइट करेंगे कि ए सब सेट है बी का, ठीक है जी। अब हमने सब सेट फाइंड करने हैं। अब हमने क्वेश्चन 1 में सब सेट्स फाइंड करने हैं। पार्ट 1 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 1, राइट ऑल सब सेट ऑफ द सेट्स। पार्ट 1 देखें जी, हमारे पास एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट को आप इस तरह किसी भी शो कर सकते हैं और आप इस तरह किसी भी शो कर सकते हैं, ठीक है जी। ये दोनों एम्प्टी सेट हैं। और जबकि अगर इस तरीके से हो तो ये हमारे पास एम्प्टी सेट नहीं है, ये सिंगलटन सेट है, मतलब यक रुकनी सेट है, एक रुकन वाला सेट है, ठीक है जी। एम्प्टी सेट किया तो ये यूज़ करेंगे हम, या फिर ये यूज़ करेंगे, ठीक है जी। ये हम यूज़ नहीं कर सकते, ये हमारे पास सिंगलटन सेट है। उसके बाद देखेंगे हमारे पास, अब हमने इसके फाइंड करने हैं सबसेट। सबसेट मीन इससे छोटा सेट फाइंड करना है। और याद रहे, अब इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है तो इससे छोटा सेट नहीं हो सकता, और हर एलिमेंट सॉरी हर सेट जो है अपना सबसेट होता है, तो इसलिए इसका सबसेट हमारे पास खाली सेट ही होगा। जो कि आप इस तरीके से राइट करें, आपकी मर्ज़ी है, और आप इस तरीके से राइट करें, आपकी मर्ज़ी है। इन दोनों में से आप एक जो है सबसेट यहाँ पर राइट करेंगे इसका, ठीक है जी। आप ये यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते, ये हमारे पास है खाली सेट, ये भी खाली सेट, ये भी खाली सेट, यानी कि एम्प्टी सेट सब सेट होता है एम्प्टी सेट का। अगर आप आंसर में ये राइट करेंगे ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट एम्प्टी, तो फिर ये यक रुकनी सेट बन जाएगा, ये इसका सब सेट नहीं है। बुक में हमें ये आंसर दिया गया जो कि गलत है, ठीक है जी। पार्ट 2 देखें, हमारे पास यक रुकनी सेट है, हमने इसके सब सेट फाइंड करने हैं। देखें, सबसे पहले हम खाली सेट राइट करेंगे क्योंकि खाली सेट इसका सब सेट है, और उसके बाद इट्सेल्फ हम इसको राइट कर देंगे, ये भी इसका सबसेट है। तो इस तरीके से इसके हमारे पास दो सबसेट आ चुके हैं। नंबर 3 देखें जी, हमारे पास ए और बी एलिमेंट का सेट है, तो इसका सबसे पहले आप राइट करेंगे, क्योंकि हर सेट का जो खाली सेट है यानी कि एम्प्टी सेट है वो सबसेट होता ही है। तो उसके बाद देखें जी, हम सिंगलटन सेट राइट करेंगे, यानी कि ए, उसके बाद बी, उसके बाद सेट इट्सेल्फ, यानी कि ए और बी। अब ये तमाम जो हैं इसके क्या हैं जी, सबसेट हैं। और याद रहे, किसी भी सेट के एलिमेंट को एलिमेंट की तादाद की मदद से हम बता सकते हैं कि इसके कितने सबसेट होंगे। उसके लिए हमारे पास फार्मूला है, अगर एन हमारे पास हो, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देन 2n। इसकी मदद, इस फार्मूले की मदद से हम बता सकते हैं कि इसके कितने सबसेट होंगे। अब जैसा कि यहाँ पर हमारे पास सेट के 2 एलिमेंट हैं, तो आप n की जगह पर, नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास 2 है, तो n की जगह पर आप 2 राइट करेंगे, तो 2 2's are 4। अब देखें जी, हमारे पास आंसर आया 4, मतलब नंबर ऑफ जो सबसेट हैं वो हमारे पास 4 हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी, अब राइट द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब हमने पावर सेट फाइंड करने हैं। पावर सेट की पहले हम डेफिनेशन कर लेते हैं।
देखिए जी, आ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाई पी ऑफ ए। यानी कि जो भी हमें सेट दिया गया हो, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ए है, सेट ए है, ठीक है जी, तो इसके हम पॉसिबल तमाम सब सेट जो है राइट कर लेंगे, उन तमाम सब सेट्स को ब्रैकेट में राइट करेंगे, ठीक है जी। अगेन जो है इन तमाम सब सेट को हम कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, तो वो हमारे पास क्या होगा, पावर सेट होगा किसका, गिवन सेट का। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट वन देखें जी। सबसे पहले सेलेक्ट कर लें आप किसी भी नेम देते हुए, ए इज इक्वल टू माइनस वन वन, ठीक है जी। अब हमने पावर सेट कर फाइंड करना है ए का, आप राइट करेंगे पी ऑफ ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, ठीक है जी। अब हमने इन तमाम के, इस सेट के तमाम पॉसिबल सब सेट राइट करने हैं। सबसे पहले हम राइट करेंगे एम्प्टी सेट, उसके बाद सिंगलटन सेट माइनस वन वन, उसके बाद हमारे पास इटसेल्फ माइनस वन एंड वन, ठीक है जी। ये तमाम पॉसिबल सब सेट हमने इसके राइट कर दिए। अब इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। इस गिवन सेट के ये तमाम क्या है जी, पावर सेट है। अब पार्ट टू देखें, इसमें भी हम सबसे पहले लेट कर लेंगे ए इज इक्वल टू, आप इसे बी लेट कर सकते हैं, ए बी सी, ठीक है जी। हम फाइंड करते हैं पावर सेट ऑफ सेट ए, उसके लिए आप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब इस सेट के तमाम पॉसिबल सब सेट राइट करेंगे। हमारे पास पहला सेट जो सब सेट है वो एम्प्टी सेट, फिर आप सिंगलटन यानी कि एक एक रुकन वाला सेट राइट करेंगे, ए आ जाएगा, फिर हम राइट करेंगे बी, उसके बाद हम राइट करेंगे सी। अब आपने दो अरकान वाले सेट ए बी पेयर बनाएंगे, बी सी और ए सी, ए सी मज़ीद हम पेयर वाला सेट राइट नहीं कर सकते। अब सेट इटसेल्फ ए बी सी, अब इस ब्रैकेट को हम करेंगे क्लोज, तो ये इसका पावर सेट है, गिवन सेट ए बी सी का ये पावर सेट फाइंड कर लिया। पार्ट थ्री देखें जी, इसे भी हम सबसे पहले लेट कर लेंगे, आप इसको बी के क्यों लेट कर लें, ऐसे आपकी मर्ज़ी है, जिस मर्ज़ी के क्यों लेट करें, मल्टीप्लाई डिवाइड। अब हमने इसका फाइंड करना है पावर सेट, पी एफ बी इज इक्वल टू, सबसे पहले हम अब इनके इस सेट के तमाम पॉसिबल सब सेट राइट करने हैं। सबसे पहले सब सेट हम राइट करेंगे एम्प्टी सेट, उसके बाद सिंगलटन या क्रुकनी सेट राइट करेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, उसके बाद हम इसके तमाम के बनाएंगे पेयर, प्लस माइनस का बन जाएगा, प्लस मल्टीप्लिकेशन का बन जाएगा, प्लस मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद प्लस डिवीजन, उसके बाद प्लस का तमाम के साथ बन गया, अब माइनस का बनाएंगे तमाम के साथ, माइनस मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड, अब मल्टीप्लिकेशन को बनाएंगे डिवीजन के साथ, अब पेयर वाला सेट बन गए हैं। अब हम तीन तीन का बनाएंगे सेट, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, उसके बाद माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। पहले हमने बनाया प्लस माइनस मल्टीप्लाई का, फिर हमने बनाया माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का, अब हम बनाएंगे डिवाइड प्लस माइनस का, यानी कि आगे चलते चले जाएंगे, फिर ऐसे वापस आएंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड और प्लस का। अब मज़ीद हम इसको इसके तीन रुकन वाले सेट नहीं बना सकते, अब सेट इटसेल्फ आ जाएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये इसका
इसके तमाम पॉसिबल सबसेट आ गए हैं, इसको आप क्लोज़ कर देंगे, ये पावर सेट बन गया। दोबारा सुने, सबसे पहले खाली सेट आएगा हर पावर सेट में, ठीक है जी। और उसके बाद आपने एक एक रुकन वाला सेट बनाना है, फिर आपने दो दो रुकन वाला सेट बनाना है, फिर आपने तीन तीन रुकन वाला, ठीक है। जितने एलिमेंट हो उतने एलिमेंट तक आपने जाना है, इटसेल्फ सेट तक जाना है, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें जी, इसके लिए भी वही फार्मूला कि आप पावर सेट कैसे फाइंड कर सकते हैं कि किसी भी गिवन सेट के पावर सेट कितने होंगे। 1, 2, 3, 4, तो 2 की पावर यहाँ पर आ जाएगा 4, 2n वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16, मतलब इसके एलिमेंट, इस पावर सेट के एलिमेंट बनेंगे 16। काउंटिंग कर लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, ठीक है जी। इस तरीके से ये क्वेश्चन होंगे, उम्मीद आपको ये तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर समझ आए हैं तो लाइक और शेयर करें। इसके मुताबिक आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अपना ख्याल रखें, मेहनत करें, इस तरीके से प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।